ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और आगरा नगर निगम ने साथ मिलकर आगरा में 18 दिसंबर 2018 को स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस अर्बन डायलॉग्स अमेजिंग आगरा का आयोजन किया। शहर कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता है, शहर जो है वो मूर्त रूप में आपके सामने होता है, उसका एक अतीत होता है, उसका एक वर्तमान है और उसका एक भविष्य भी होता है। हम अपने शहर को कैसा बनाना चाहते हैं, अर्बन डायलॉग सीरीज इसी पर केंद्रित है। ये कॉन्फ्रेंस अर्बन अपडेट मैगजीन और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ओर से एक पहल है जो आगरा में आयोजित की गई। आगरा म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री अरुण प्रकाश इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे और उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। Main objective was to make tourists feel proud of the city and to give them a good ambience while assessing the tasks. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के डायरेक्टर जनरल मिस्टर राजीव अग्रवाल, जो खुद आगरा शहर के निवासी हैं, उन्होंने भारत में आगरा शहर की महत्वता के बारे में बताया। आगरा एक स्मार्ट सिटी के भारत में जो 100 स्मार्ट सिटी उसमें से एक स्मार्ट सिटी आगरा भी है। आगरा में 90 लाख से ज्यादा पर्यटक हर साल यहाँ आते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो आगरा भारत की एक प्रकार का सिंबल है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के टेक्निकल डायरेक्टर मिस्टर पाशिम तिवारी ने स्मार्ट सिटी पर अपनी राय देते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी को लेकर हर व्यक्ति का नजरिया अलग अलग होता है। स्मार्ट सिटी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हर व्यक्ति के नजरिए से स्मार्ट सिटी कुछ अलग है। यहाँ पे बहुत सारे पार्षद लोग आए हुए हैं, तो अगर आप सभी से किसी से भी पूछा जाएगा कि वो आगरा के बारे में स्मार्ट सिटी का क्या प्रारूप देखते हैं, तो कुछ भिन्न ही होंगे। पर यदि एक स्मार्ट सिटी प्रोग्राम की या किसी भी एक अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम की खूबसूरती है कि उसमें अलग अलग विविध विचारों को मिला के एक अच्छा शहर विकसित किया जा सके। ये आगाज था अमेजिंग आगरा कॉन्फ्रेंस का। हम अगले एपिसोड में बताएंगे कि आगरा की सांस्कृतिक विरासत क्या है और जानकार अपनी राय रखते हुए बताएंगे कि कैसे आगरा के विकास के साथ उसकी सांस्कृतिक विरासत को बचाने की जरूरत है।